रामानंद सागर जी की रामायण में हमने जिन्हें राम के किरदार में देखा, राम के रूप में देखा, वो जो है राम हमारे दिल में बस गए। हमने उन्हें मंदिरों में भी बसाकर उनकी पूजा की है। ऐसे प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल जी फिर से एक बार राम अवतार में राम के रूप में नजर आएंगे और यह राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात है और सबसे बड़ी बात है राहत की। क्योंकि जिस तरह से बाहुबली प्रभास ने जिस तरह से राघव या फिर राम का किरदार निभाया फिल्म आदि पुरुष में, उसके चेहरे पर कोई तेज नहीं, जिसके चेहरे पर कोई प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं, शांति नहीं, सिर्फ एक ही भाव, एग्रेसिव भाव के साथ जिस तरह से प्रभास ने राम का किरदार निभाया, उससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गई, लोगों की जो आस्था है वो भी आहत हुई है। तो ओ माई गॉड 2 फिल्म जो आ रही है 11 अगस्त 2023 को, इसमें अरुण गोविल जी राम के रूप में आएंगे और यह जो है फिल्म का सबसे बड़ा USP होने वाला है। क्योंकि जिन्होंने भी पुरुष फिल्म को देखा है वो इसमें राम जी को देखकर, अरुण गोविल जी को देखकर इस फिल्म को जरूर देखने जाएंगे और ऐसा बिल्कुल होगा। क्योंकि मेकर्स जो है इस फिल्म के, मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि ओ माई गॉड 2 के मेकर्स जो है उन्होंने पहले ही भाप लिया होगा, जब राम के लिए प्रभास की कास्टिंग की गई होगी 2021 में और उस समय उसकी शूट चल रही थी, तो इन्होंने पहले ही ये चीज समझ ली कि प्रभास जो है राम के रूप में ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे और लोग उन्हें पसंद नहीं करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने अपनी फिल्म में जो है ऐसी एक कहानी का स्कोप रखा होगा और अरुण गोविल जी को कास्ट कर लिया राम के रूप में। और इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है कि अरुण गोविल जी को जिसे देखते ही हमें राम नजर आते हैं और राम को देखते ही हमें अरुण गोविल जी नजर आते हैं, तो ऐसे में जो सुपर कॉम्बिनेशन है अरुण गोविल जी और राम का, यही कॉम्बिनेशन हमें दिखाई देने वाला है फिल्म ओ माई गॉड 2 में। तो यह है राम भक्तों के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात। साथ ही साथ ओ माई गॉड 2 जो फिल्म है, यह ओ माई गॉड का एक्सटेंशन है जो 2012 में आई थी, जिसे डायरेक्ट किया था उमेश शुक्ला ने और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं ओ माई गॉड 2 को अमित राय। इस फिल्म में हमें परेश रावल जी नहीं दिखाई देने वाले हैं, उनकी जगह इस बार पंकज त्रिपाठी है, यामी गौतम है, गोविंद नामदेव जी है और जो अक्षय कुमार है वो शंकर जी के किरदार में नजर आने वाले हैं। फिल्म की कहानी की बात करें तो अभी तक जितना पता चला है उससे ये मालूम पड़ता है कि यह हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में दिखाएगी, उसके जो प्रॉब्लम्स है, उसमें जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसको किस तरह से बेटर किया जा सकता है और सेक्स एजुकेशन जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी तक आया नहीं है उसे किस तरह से लाने की जरूरत है, इसके बारे में यह फिल्म होने वाली है। तो कंटेंट भी काफी दिलचस्प है और प्लस प्रभु श्री राम जी के यानी कि अरुण गोविल जी के आने के बाद ओ माई गॉड 2 को देखने की अब जो है एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है लोगों की और लोग बहुत खुश है अरुण गोविल जी को राम के रूप में देखने के लिए फिर से एक बार। मैं आपसे मिलता हूं एक अलग कंटेंट, एक अलग टॉपिक के साथ बहुत जल्द। नमस्कार, जय श्री राम।